हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मुस्कान राणा योगा। आज इस वीडियो का टॉपिक है आर्म फैट, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करवाता है जब हम स्लीवलेस कपड़े पहनते हैं, हम अपने आर्म्स को फ्लॉन्ट नहीं कर पाते। तो ये सब सारे प्रॉब्लम्स का सल्यूशन इस वीडियो में आपको मिलेगा और बहुत ही हट के एक्सरसाइजेस में लेके आएँ। बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, स्पेसिफिक है इस आर्म फैट के लिए आपका। ये बहुत ही जल्दी लूज करेगा और आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखना है, क्योंकि एंड में या फिर बीच में कभी भी मैं आपसे डाइट शेयर कर सकती हूँ, जो बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा आपको। इस एक्सरसाइज को जब आप फॉलो करोगे तो ईजिली कैसे आप बर्न कर सकते हो फैट, उसके लिए आपको डाइट भी फॉलो करना होगा, जो आप अगर इस वीडियो को कंटिन्यूसली देखोगे बिना स्किप किए तभी आप पूरा 100% इसका लाभ ले सकते हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जो सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज करने वाले हैं, उसके लिए आपको मैं इस साइड से मुड़ के दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे और अच्छे से स्टेप्स को फॉलो कर सके। तो आपको अपने दोनों हाथ को ऊपर की तरफ करना है, कान से टच करके रखना है, दोनों हाथों को इस तरीके से ज्वाइन कर लीजिए और आपको एक स्ट्रेच देना है, हाथ को पीछे की तरफ लेके स्ट्रेच। और जब आप इस तरीके से स्ट्रेच देंगे ना, तो अपने चेस्ट को बाहर की तरफ निकालना है। जब आप चेस्ट को बाहर की तरफ निकालेंगे तो अच्छे से स्ट्रेच यहाँ पे मिलेगा, जिससे यहाँ का फैट बर्न होगा कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस में। एक दिन के प्रैक्टिस में आपको कुछ भी नहीं होने वाला है, जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे एटलीस्ट 1 मंथ तभी आपको रिजल्ट आएगा। अगर आप सोचेंगे सिर्फ आप 2-3 दिन करके या फिर 1 दिन करके आप अगर फैट बर्न कर सके, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोनों हाथ को ऊपर कान से लगाते हुए इस तरीके से ज्वाइन कर लिए डाउन और 1, फिर ऊपर लेके जाएंगे 2, 3, 4, 5, 6, हाथ को खींचना है 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, relax। अभी जब आप फर्स्ट टाइम इसको कर रहे हो ना, तो आप 20 का सेट ले लो 3, ठीक है। और जब आप इसे डे बाय डे इसको जब आप बढ़ाओगे और आप में ताकत आ जाएगा हाथों में, तो आप इसको 30 कर देना, फिर 30-30 का आपको 3 सेट लगाना है रेगुलर, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो हम लोग अब दूसरी एक्सरसाइज करेंगे, उसके लिए आपको इस तरीके से W बनाना है। ये देखिए, ये W बन गया। अब 1, 2, 3, और ब्रीदिंग का भी आपको ध्यान रखना है साथ में, ऊपर जाते हुए ब्रीद इन, नीचे आते हुए ब्रीद आउट। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20। 20 का मैं आपको रेपिटेशन करके दिखा रही हूँ, आप चाहे तो साथ में मेरे कर सकते हो, इस वीडियो को ऑन करके आप साथ में मेरे प्रैक्टिस कर सकते हो, तो ये ज़्यादा ही यूजफुल रहेगा, आप मेरे स्पीड को भी मैच कर पाओगे। अभी मैं 20 का रेपिटेशन आपके सामने कर रही हूँ, क्योंकि ये मैं फर्स्ट डे के लिए बता रही हूँ आपको। अगर जैसे ही आपका पावर बढ़ जाता है, स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, आप कुछ दिन के बाद इसको 30 ले आइए और 30-30 का 3 रेपिटेशन आपको करना है। मैं सिर्फ एक आपको करके बता रही हूँ। चलिए फिर हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। अपने दोनों हाथों को आपको सीधा रखना है बिल्कुल, किसी भी मूवमेंट आपको कोई भी मूवमेंट नहीं करना है, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ पे कोई भी वेट नहीं दे रही हूँ, अभी हम लोग आगे चल के वेट के साथ भी करेंगे, पर अभी मैं बिल्कुल भी आपको वेट नहीं दे रही हूँ। हाथ में कुछ भी वेट नहीं है, सिर्फ आपका फ्री हैंड है, दोनों हाथ सीधा एकदम, और आपको इसी पोजिशन को होल्ड करना है बस 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, आप ऐसे 5 मिनट तक लेके जा सकते हो। फर्स्ट डे आप 5 मिनट नहीं कर पाओगे, आप कोशिश कीजिए कि फर्स्ट डे आप 1 मिनट तक इस तरीके इस पोजीशन में रह पाए। आप देखोगे कुछ देर के बाद आपको यहाँ पे नमनेस महसूस होने लगेगा, बहुत ज़्यादा ताकत लगने लगेगा, पर आपको उसको सहना है। जितना ज़्यादा आप सहोगे तभी फैट बर्न होगा। अगर आप सोचोगे कि ईजिली हम लोग फैट बर्न कर लेंगे तो वो
पॉसिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपको। मैं आगे आपको डाइट भी बता रही हूँ जो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको, इसलिए कंटिन्यू रखिए और लगातार वीडियो को देखते रहिए। आपको होल्ड करना है इस तरीके से कम 1-2 मिनट तक फर्स्ट डे, ठीक है, उसके बाद नीचे कर लेना है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, दोनों हाथ को ऊपर कर लेंगे और आपको सर्कल बनाना है। ये सर्कल होता है ना, आप जितना ज्यादा छोटा सर्कल हो सके उतना ज्यादा छोटा सर्कल बनाना है। आप देखिए ये सर्कल बन रहा है ना, जितना छोटा सर्कल हो सके उतना छोटा। ये एग्जैक्टली थोड़ा सेम है इसके पहले वाले एक्सरसाइज की तरह ही है, थोड़ा बट थोड़ा सा वेरिएशन है। पीछे की तरफ लेके जाएंगे, इस रोटेशन को भी हम लोग काउंट करेंगे 30 काउंट, उसके बाद आगे की तरफ 30 काउंट। और मैं आपको बता दूं कि जितनी भी एक्सरसाइजेस मैं आपको बता रही हूं इसमें गैप नहीं होना चाहिए, लगातार आपको करना है। आपके हाथ में दर्द हो जाएगा बट आप कुछ दिन अगर लगातार प्रैक्टिस करोगे, सेकेंड डे क्रैम्प्स भी आएंगे, थर्ड डे फोर्थ डे ऐसे रहेगा, पर आप लगातार प्रैक्टिस करोगे तो वो जो क्रैम्प्स है, दर्द है, वो खत्म होते जाएगा और फिर आपको उस चीज़ का हैबिट हो जाएगा। और जितनी भी एक्सरसाइजेस मैं आपको बता रही हूँ एक भी जरा सा किसी में भी गैप नहीं होना चाहिए ज्यादा, आप 5 सेकेंड से ज्यादा गैप किसी में भी नहीं लेंगे। आप ये एक्सरसाइज कंप्लीट किया 5 सेकेंड, ओनली 5 सेकेंड रिलैक्सेशन, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चल देंगे हम लोग, ठीक है। ये इसके बाद जस्ट 5-10 सेकेंड का रिलैक्सेशन, देन फिर से नेक्स्ट एक्सरसाइज। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट जो एक्सरसाइज करने वाले हैं वो रबर के साथ करेंगे। अगर आपके पास रबर नहीं है तो आपके पास कुछ भी होगा लाइक इस साइज का, आप रोप भी ले सकते हो, रस्सी भी ले सकते हो, या कोई टावल भी ले सकते हो, कपड़ा भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। आप इस तरीके से बांध देना चुन्नी को, इनफैक्ट आप इस तरीके से बांध देना, दोनों हाथ को इस तरीके से रख लिया एंड आपको ऊपर लेके जाना है 1-2। इसमें कोई भी चेस्ट आपका एक्सपेंड नहीं होगा, चेस्ट एकदम नॉर्मल, सिर्फ हाथ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20। रिलैक्स। आपको इसका भी स्टार्टिंग में 20-20 का 3 रेपिटेशन करना है और फिर कुछ दिन के बाद आपको इसका 30 रेपिटेशन, 30-30-30 3 सेट इसका कर देना है। आई होप कि आपको ये सारी वीडियो जितनी भी एक्सरसाइजेस मैं आपको बताई हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप फिर से वीडियो को देखिए और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए और पर्टिकुलर हर एक स्टेप्स को फॉलो कीजिए। हर एक स्टेप्स को फॉलो करेंगे तभी आप बर्न कर पाएंगे अपने फैट को। और कंटिन्यू रखिए अपने एक्सरसाइजेस को, हर एक दिन कंटिन्यू रखिए, किसी भी दिन का गैप मत होने दीजिए। चाहे आप कहीं पे भी हो, ट्रेवल कर रहे हो, कहीं पर भी हो, आप कोशिश कीजिए कि आप कंटिन्यू रखें। मैं आपको प्रॉमिस की थी कि मैं डाइट बताऊंगी आपको लास्ट में, तो आपको सबसे ज़्यादा क्या करना है, पानी पीना है। जितना ज़्यादा आप पानी का इनटेक अपनी बॉडी में बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा वेस्ट आपके बॉडी से निकलेगा। जितना ज़्यादा आप पानी पियेंगे उतना ज़्यादा आपको स्वेटिंग होगा, तो जितना ज़्यादा अपने बॉडी को हाइड्रेटेड रखेंगे उतना ज़्यादा ही आपके बॉडी के लिए वो अच्छा है और वो फैट को बर्न भी करेगा। और जो डाइट है आपका उससे आपको जो शुगर की मात्रा है उसको एकदम घटा देना है, ना के बराबर कर देना है। आप शुगर ऐड करते हो, कुछ भी चीज़ आप लेते हो, तो अगर आप जैसे खीर बना रहे हो या फिर आप सेवइयां बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, उसमें शुगर ऐड कर रहे हो, कॉफ़ी पी रहे हो, तो अगर वो चीज़ नहीं हट रही है ना, तो आप शुगर फ्री ले सकते हो। शुगर फ्री मार्केट में आपको मिल जाएगा, ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, तो आप ऐड ऑन कीजिए अपने डाइट में शुगर फ्री, और जो नॉर्मल शुगर है उसको अपने लाइफ से एकदम हटा दीजिए, ठीक है। तो वो हेल्प करेगा आपको बहुत ही ज़्यादा फैट बर्न में, और आपको फैट को बढ़ने ही नहीं देगा तो आपको बर्न करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और आपको अच्छी नींद लेनी है, जितना ज़्यादा अच्छा नींद आप लेंगे उतना ज़्यादा आपका बॉडी रिलैक्स होगा, स्ट्रेस फ्री होगा, टेंशन फ्री होगा, और आप एक अच्छी लाइफ और अच्छे बॉडी के साथ रह पाएंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर आप ये वीडियो पूरा देखे हो और आपको अच्छा लगा है, आप इससे कुछ समझे हो, कुछ सीखे हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आप अगर ज़्यादा वीडियोज़ आपके
पास लेकर आऊंगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।